कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन आर के कॉलेज ऑफ फार्मेसी नैनी प्रयागराज। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ चुके हैं कि डिस्कस भी किया था कि हम फर्दर जो अगला सेशन होगा उसमें हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिलेबस आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का अकॉर्डिंग टू ए के टी यूनिवर्सिटी से जो भी सिलेबस मिला हुआ है बैचलर के बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक, वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत जी आई ट्रैक को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको एलिमेंट्री कैनाल भी इसको कहते हैं। तो स्टडी आज करेंगे जी आई ट्रैक में, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, उसके पार्ट क्या क्या हैं, जी आई ट्रैक को कहते क्या क्या हैं और क्या क्या इसकी डिफिनीशंस हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी आई ट्रैक। ओके, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं जी आई ट्रैक हमने यहाँ नोट डाउन किया हुआ है, ठीक है। जी आई ट्रैक को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं। हम बार बार इसको रिपीट कर चुके हैं कि जी आई ट्रैक को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी ही कहते हैं। तो हम इसको पूरा पढ़ने की बजाय सिर्फ जी आई ट्रैक कहेंगे। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को हम सिर्फ जी आई ट्रैक कहेंगे। इसे और क्या कहते हैं, तो इसे डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं और एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, ठीक है। तो जी आई ट्रैक जो है आपका ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, तो जी आई ट्रैक आपका एक ऑर्गन सिस्टम है, ठीक। ह्यूमन में जी आई ट्रैक क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है, ह्यूमन में भी होता है और एनिमल में भी होता है। तो अभी हम ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जी आई ट्रैक आपका एक ऑर्गन सिस्टम है ह्यूमन में, जो कि फूड को लेता है, टेक फूड, ठीक। इसको डाइजेस्ट करता है और उसमें से एक्सट्रैक्ट करता है और एब्जॉर्ब करता है एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट, फिर उसको एक्सपेल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट एज अ फीकस, ठीक। ये हो गया आपका एक फ्लो चार्ट किसका, आपके जी आई ट्रैक का। तो इसको रिवाइज कर देते हैं क्या, कि जी आई ट्रैक आपका एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि फूड को लेता है, उसे डाइजेस्ट करता है मतलब उसको पचाता है, उसमें से एक्सट्रैक्ट करता है एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को निकालता है, न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स डिफरेंट टाइप आपके मल्टी विटामिन्स न्यूट्रिएंट्स सारे चीज़ जो जितने भी पोषक तत्व हैं वो आपके लिए गए फूड से डाइजेस्ट होने के बाद निकालता है और एक्सपेल करता है, जो कि वेस्ट हो गया है, जिसका आपकी बॉडी को कोई यूज़ नहीं है, वो वेस्ट मटेरियल के रूप में एज अ फिकस वो बाहर एक्सक्रीट आउट कर देता है। ये हो गया जी आई ट्रैक का आपका फ्लो डायग्राम, ठीक है। तो जी आई ट्रैक है इंक्लूड्स ऑल स्ट्रक्चर बिटवीन द माउथ एंड एनस, मतलब कि आपके माउथ को एज अ फर्स्ट पार्ट मानते हैं और एनस को हम अगर लास्ट पार्ट मानते हैं, तो माउथ से लेके एनस के बीच में जितने भी पार्ट पड़ेंगे आपके बॉडी ऑर्गन के जो कि आपके डाइजेस्ट सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारे स्ट्रक्चर्स आपके जीआई ट्रैक में आएंगे। जैसे कि माउथ के बाद आपका हो जाएगा फेरिंग्स, हो जाएगा ओइसोफेगस, हो जाएगा स्टोमक, हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, हो जाएगा उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट क्या है, एनस, जहाँ से आपका वेस्ट मटीरियल या फिकस बाहर एक्सपेल आउट होता है, ठीक है। तो दूसरा डेफिनेशन क्या हुआ कि जीआई ट्रैक जो है आपके सारे स्ट्रक्चर्स को कंसीडर करता है, कहाँ से, माउथ से एनस के बीच में, ठीक है। और फिर थर्ड पॉइंट क्या है, फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस पाथवे या पैसेजवे, मतलब कि जो है आपका पाथवे बनेगा कहाँ का, जीआई ट्रैक का, कहाँ से, माउथ से लेके एनस तक, वो एक कंटिन्यूस फॉर्म में होगा, उसमें बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा या हिंड्रेंस नहीं होगी, ठीक है। मतलब कि एक कंटिन्यूटी में पूरा पाथवे रहेगा, ठीक। इसीलिए कहा गया है फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस पाथवे एंड पैसेज वे, ठीक। इट इंक्लूड स्टोमक, SI मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन एंड LI मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, वो तो हमने पहले ही बता दिया यहाँ पे। फिर GI tracts ऑफ ह्यूमन अबाउट 30 फीट और 9 मीटर्स। तो अगर GI track की ह्यूमन की बात करें पूरा ओपनिंग से लेके एंड तक, तो आपका 9 मीटर और 30 फीट होता है, अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर, या उसको अगर फीट में कंसीडर करेंगे तो 30 फीट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर हम जीआई ट्रैक्स के सेल्स की बात करते हैं, तो जीआई ट्रैक के जो सेल्स होते हैं या जिनसे वो मिलकर बना होता है, वो रिलीज करता है किसको, हार्मोन को, ठीक है। किसके लिए वो हार्मोन होता है, तो वो रेगुलेट द डाइजेस्टिव प्रोसेस,
मतलब कि आपके डाइजेशन का जितने भी प्रोसेस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए और उनको आपके इम्प्रूव करने के लिए जीआई ट्रैक्स में सेल्स हार्मोन को रिलीज़ करता है, ठीक है, उसको मेंटेन भी किया रहता है। तो सेल्स ऑफ द जीआई ट्रैक रिलीज हार्मोन्स टू हेल्प रेगुलेट द डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका गैस्ट्रिन हो गया, सिक्रेटिन हो गया, कोलिसिस्टोकाइनिन हो गया, और डिफरेंट और भी हैं जो हार्मोन्स आपके डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट से रिलीज होते हैं। तो जीआई ट्रैक जो है उसके जो सेल्स हैं, मतलब जीआई ट्रैक का जो सेल्स है जिसे वो मिल के बना होता है, वो हार्मोन को रिलीज़ करता है, ठीक, जो कि आपके पूरे डाइजेस्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करता है। अब जीआई ट्रैक को अगर हम क्लासिफिकेशन देखा जाए तो जीआई ट्रैक को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट क्या, उसका अपर जीआई ट्रैक, मतलब जीआई ट्रैक में अपर जीआई ट्रैक, सेकंड वन हो गया लोअर जीआई ट्रैक। अपर जीआई ट्रैक है जो वो मिलके बना होता है माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक और डियोडिनम, ठीक है। माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्लासेस था उसमें हमने इसको पढ़ा है, काफ़ी डीपली पढ़ा है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिर अपर जीआई ट्रैक का जो पार्ट है वो है स्टोमक हो गया और डियोडिनम, ठीक, ये हो गया अपर जीआई ट्रैक। अब सेकेंड पार्ट जो है उसका जीआई ट्रैक क्लासिफिकेशन में वो है लोअर जीआई ट्रैक, जो कि कंसीडर करता है किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो और पार्ट है उसे कहते हैं सीकम, कोलोन, रेक्टम और एनस, ये इसके पार्ट्स हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में डेडनम, इलियम और जेजुनम होता है, डेडनम, जेजुनम और इलियम होता है इसके पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। तो ये हो गया आपके जीआई ट्रैक्स का क्लासिफिकेशन दो पार्ट में, अपर एंड लोअर। तो बेसिकली और मेनली हमें पढ़ना है किसके बारे में, स्टोमक के बारे में एक, सेकेंड वन स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, थर्ड वन लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, जो कि हमारे AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करेंगे अब स्टोमक से, ठीक है। जीआई ट्रैक का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हमारा स्टोमक से स्टार्टिंग होगा। तो स्टोमक में हम उसका पढ़ेंगे, उसकी फंक्शन पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म क्या है, हिस्टोलॉजी क्या है और डिफरेंट उसके स्टोमक के, और कैसे उसके पार्ट्स को आपके हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन हमारा स्टार्ट होगा वो स्टोमक से स्टार्ट होगा। ओके, थैंक यू, बाय।